जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा लास्ट सेशन में. जिस तरह आपने बताया था कि जो स्कैंडिनेवियन वुमेन थी जो बचाने गई थी गजा के लोगों को, तो हेल्प करने गई थी, तो एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया था वो ये था कि हम जैसे मुस्लिम्स हैं, हमें ये पता है कि हम लोग अच्छा बुरा करेंगे, जन्नत या जहन्नम में जाएंगे, तो इन लोगों का किस तरह हिसाब होगा कि ये लोग अगर तो क्रिश्चियंस हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ये इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनका किस तरीके से हिसाब होगा? क्योंकि सारे अगर मुसलमान ही का हिसाब होगा, तो इन लोगों का क्या, किस तरीके से इन अल्लाह पाक इनको जज करेंगे जो नॉन मुस्लिम है, जो अच्छे काम करते हैं? कौन जाएगा जहन्नुम में, कौन जाएगा ये सिर्फ अल्लाह को पता ये है। तो हाँ जी बस बिल्कुल. अच्छा, ये जन्नत में जाए या नहीं जाए ये मैं तो नहीं कह सकता। कौन सा ऐसा हाँ, मुसलमान है जिसको ये इजाजत मिली है? क्वेश्चन ये है कि जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कब्र के अंदर, जिनमें तीन असेंशियल है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो ये इनसे भी तो पूछे जाएंगे ना? खाली सिर्फ मुसलमानों से पूछे जाएंगे? क्या नाम है आपका? नीलम. नीलम, कबर में हिसाब होगा, कबर में फैसला नहीं। ओके, फैसला ओके आखिरत वाले दिन जी. होगा। ओके, समझ लेकिन गए। कहते हैं मैंने अपने बड़ों से जो ऑब्वियसली यही कहते हैं कि जो जो पहले 2 सवालों में पास हो गया, तीसरे में फेल हो गया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ना पहचान सका, तो वो टोटली फेल हो गया. अगर आप तीसरे में पास हो गए हो, तो पहले 2 अगर आपके हो भी गए हैं ऊपर नीचे क्वेश्चन, तीसरे में अगर पास हो गए हो, तो देयर इज अ चांसेस कि आप पूरे हिसाब में पास हो जाओगे. तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन. रुके रुके, नीलम ये किसने आपसे कहा कि हम तो मुसलमान मैं को पहचान ले तो हम बाकी के सारे, बेशक हम हजार कत्ल करके गए हुए हों, इस्लाम के जी खिलाफ बिल्कुल दुश्मनियां करते हों, जी बिल्कुल यही क्वेश्चन मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि कैसे पॉसिबल है कि एक, ऐसे क्योंकि ये हम मीठी टोली वाले मौलवी, बस कुछ करना ना पड़े दुनिया में, ये वो लोग हैं, ये वो मौलवी साहब हैं ये जिनको अपनी अना के मसले पड़े हैं, खुद छोटे बोने हैं ये। इन हाँ दोनों ने ये नया वर्जन निकाला है इस्लाम का। सहाबा एंड तक, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत हुजैफा बिन जमान के पास आखिरी अय्याम तक जाते रहे कि मेरा नाम जी मुनाफिकों में तभी था। इनको जी पहले जी से पता है बिल्कुल कि जन्नत में जाएंगे, बस कबर में वो ये बता देना ये मनहा रुजल का जवाब देना, ये मेरे नबी है बस, और पास हो जाएंगे आप। हाँ जी बिल्कुल ये टेक्निक्स में ना आना, ये वो हैं जी आलिम जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था कि ये कुछ हिस्से छुपा लेते हैं किताब की मेरी और कुछ हिस्से जाहिर करके बताते हैं, ये वो हैं। भाई. एक और ये क्वेश्चन कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, एक मेरे मैं एक बच्चों से सवाल करूं रिलेटेड है. जी, ये कौन है जो मीटिंग रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मुझे बार बार भेज रहे हैं? मत करें, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मीटिंग, आपने क्यों करनी है रिकॉर्ड? जी सर एक और क्वेश्चन कर लूं अगर आपकी परमिशन हो तो. जी जल्दी करें। जी, मेरा अपने बच्चों से रिलेटेड था कि हम लोग क्योंकि यूके में रहते हैं ना, तो मैंने आपके सारे सेशन सुने हुए हैं, लेकिन यह है कि फिर भी स्टिल आई एम बिट कंफ्यूज कि जैसे 6 साल का बच्चा है, उसको किस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं. वैसे उसको समझ तो आती जा रही है कि अल्लाह है और ये सारी चीजें हमें अच्छी बुरी करनी है, लेकिन फिर भी स्टिल आई एम कंफ्यूज, क्योंकि आपने कहा था उनको अरबिक सिखाओ. अरबिक तो वो कायदा तो पढ़ रहा है, लेकिन उसको मुझे बताने में मुझे लग रहा है कि वो उस लेवल पे नहीं आ रहा जहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं उस 6 साल के बच्चे को, इंट्रोड्यूस जैसे इस्लाम करवाना चाह रहे हैं. तो थोड़ा सा इस बारे में मैं कंफ्यूज थी, मैंने आपके सेशंस भी देखे हैं इस पर, लेकिन मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी. अगर आप इस पर थोड़ी सी रहनुमाई कर दें तो. 6 साल का, एक 5 साल का बच्चा, मेरा बच्ची है बच्चा है मेरी दोनों. दरख्वास्त है, मुझे बार बार मेरी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, आप मीटिंग रिक्वेस्ट जब भेजते हैं और मैं डिक्लाइन भी करूं तो आप, आपको प्लीज, मेरी दरख्वास्त है मीटिंग रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट या कोई और रिक्वेस्ट मुझे मत भेजिए, मेरी स्क्रीन वो फ्रीज हो जाती है, मजलिस के आदाब है प्लीज, उसको मलूज खातिर। जी 5 साल का बच्चा है और 6 साल का बच्चा है, क्या करना आपने उनको? सर उनको जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है इस्लाम को, मैं थोड़ा थोड़ा करवा तो रही हूँ. मैंने आपके बहुत सारे सेशन इसके में देखे भी हैं, और थोड़ी सी मुझसे गलतियां भी हुई थी जो पहले 5 साल में होती हैं पहले बेटे के बारे में, लेकिन फिर मैंने उनको ओवरकम करके उनकी तरबिया में अच्छी चीजें डालने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने अपनी तरबिया की थी फर्स्ट फिर उनकी की थी. तो अब लेकिन स्टिल मुझे लगता है जब मैं दूसरे लोगों को कंपेयर करती हूँ ना, कि उनके बच्चे मोर टूवर्ड्स इस्लाम है एज कम्पेयर टू माइन,
मुझे इस मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उनको मैं और करूं, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम भी मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रही हूँ, उनका टीवी वगैरह नहीं देखने देती, और लेकिन फिर भी मोबाइल और ये टैबलेट वगैरह थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं वो जब उन्होंने पढ़ना होता है, तो स्कूल की तरफ से भी इनको काम मिलता है इसी हिसाब से, लेकिन फिर भी मुझे वो लेवल नहीं आ रहा वो देना दे पा रही जो कि इस्लाम उनको इंट्रोड्यूस इस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि हमें तो खौफ था ना कि अल्लाह पाक हमें मारेंगे जो बचपन में हमें दिया जाता था, लेकिन मैंने उनको ये वाला नहीं दिया। मैंने आपका वो क्वेश्चन सुना था कि आपने ये नहीं देना बच्चों को, तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस नहीं करना आ रहा, और 6 और 5 साल के बच्चे को किस तरीके से करूं कि वो उनकी सहाबा के जिस तरीके से हम सीरा पढ़ रहे हैं अपने IMS में, मैं उनको वो बता सकूं, मैं उस लेवल पे आ नहीं पा रही। पढ़ी आप? जी हम IMS में पढ़ रहे हैं, ग्रुप है हमारा। बच्चों को इस वक्त ना सिर्फ जबान सिखाएं, अरबी सिखाएं और स्टोरी सुनाएं, बस वैसे स्टोरी सुनाएं, जबान सिखाएं, तो घर का माहौल है उसके अंदर तहजीब और मोहब्बत की बात होनी चाहिए। तहजीब मतलब तमीज से बात करना, बड़ों का अदब करना। इस वक्त वैल्यू सिस्टम के अंदर 5 साल के बच्चे को आपने और क्या सिखाना है? और कैसे आपको पता चलेगा कोई और 5 साल का बच्चा कंपेयर किया आपने और वो ज्यादा मोमिन निकल आया आपके बच्चे से? 7 साल के से कम हर बच्चा और हर बच्ची मोमिन होती है, बस उसके ना टेंशन लो, ठीक है। मगर ये वाला वक्त जाया मत कीजिएगा कि इस उम्र में जो जबान सीख लेगा जितनी जल्दी, उतनी जल्दी बाद में नहीं सीखेगा। इसलिए इस वक्त फोकस करें लैंग्वेजेस पर, ज्यादा से ज्यादा जबान सिखाएं। प्रायोरिटी 1 अरबी, अल अरबिया, ठीक है। जैसे बस स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस करें, बाकी उनकी फिजिकल वर्जिश जो है वो एक्सट्रीम होनी चाहिए। ये टाइम है 5 साल के बच्चे को, हर वक्त थक थक के चूर होके सोए, बस हो। इस वक्त और कुछ काम नहीं माओं का, बस खाने पीने का ख्याल रखें। वो रखती होंगी आप, सर्दी गर्मी का ख्याल तो वो रखती होंगी। इस वक्त दिस इज राइट नाउ इज द टाइम फॉर विजन, एंड विजन योर सेल्फ फॉर द 15-year-old, 20-year-old, जो कि 10 साल बाद होने आपके बच्चे। उसके लिए आप अपने आप को, अपने घर को सेट करें। बच्चों के लिए घर सेट किया जाता है, ठीक है। बच्चों के लिए बच्चे नहीं सेट किए जाते, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बस सेट होते हैं अल्लाह की तरफ से। उनको बस ब्रेन के ऑर्गन के पार्ट्स जो होते हैं ना, ब्रेन अपना, ब्रेन एज एन ऑर्गन, अपने कौन कौन सी लोब्स को क्रिएट करता है, उसके ऊपर जर्नल्स, मेडिकल जर्नल्स पढ़ें और उनकी फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होपफुली जल्दी पेरेंटिंग की आ पाएगी। उसमें 13 घंटे, 8 घंटे का ये सेशन है। लाइफ साइकिल पूरी 13 घंटे की है, 8 ऐसे, खैर घंटों की तादाद तो मुझे नहीं याद कि ब्रेन का सेक्शन कितना है, मगर उसमें एक एक लोब कब क्रिएट हो रही है, उसका फंक्शन क्या, माँ ने क्या करना है उस दौरान। ज्यादातर जो ब्रेन है वो माँ के जिम्मे है ना, क्योंकि पहले 4-5 सालों में ही सारा ब्रेन तकरीबन बन जाता है, तकरीबन वो तो माँ माँ के पास होता है, माँ की गोद में होता है। तो बाप इतना जिम्मेदार नहीं है बच्चे के डम होने के लिए, माँ होती। सो बस जरूरी है कि आपको पता हो।